गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज का हमारा टॉपिक है नगर की परिभाषा तथा अर्थ, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ अर्बन। नगर क्या है? अगर जनसंख्या 100,000 से ज्यादा है तो उस क्षेत्र को नगर कहेंगे, लेकिन नगर में जो जनाधिक्य है, यानी कि 1 किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है और इस तरह से 100,000 संख्या तक व्यक्ति निवास करते हैं तो उसे नगर कहेंगे। अगर बहुत दूर दूर तक लोग निवास करते हैं तो उसे नगर नहीं कहेंगे। नगर का मतलब जनसंख्या 100,000 से ज्यादा होती है और उसका क्षेत्रफल जो है वो एक निश्चित दायरे में होता है, उसे ही नगर कहा जाएगा। तो नगर के बारे में चर्चा हम आगे करेंगे, पहले हम परिभाषा देख लेते हैं। तो विकास ने परिभाषा दी कि जहां मुख्य व्यवसाय कृषि है उसे तो गांव तथा कृषि के अतिरिक्त अन्य व्यवसाय प्रचलित है उसे नगर कहेंगे। तो विकास ने क्या बताया है कि जहां का व्यवसाय जो है वो कृषि है उसे तो गांव कहा जाएगा और जहां व्यवसाय कृषि के अलावा है उसे नगर कहा जाएगा। लुईस वॉट ने क्या बताया है? लुईस वॉट के अनुसार सामाजिक दृष्टिकोण से एक नगर की परिभाषा सामाजिक भिन्नता वाले व्यक्तियों के बड़े घने बसे हुए अस्थायी निवास के रूप में दी जा सकती है। तो लुईस वॉट ने क्या बताया कि समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से एक नगर की परिभाषा सामाजिक भिन्नता, सामाजिक भिन्नता मतलब अलग अलग उनके सामाजिक रीति रिवाज होते हैं तो उनमें सामाजिक भिन्नता पाई जाती है। तो ऐसे सामाजिक भिन्नता व्यक्तियों वाले व्यक्तियों के बड़े घने बसे हुए स्थायी निवास के रूप में दी जा सकती है। तो लुईस वॉट ने क्या बताया कि 100,000 से ज्यादा व्यक्ति जिनके सामाजिक भिन्नता अलग अलग है और वो घने बसे हुए हैं, स्थायी निवास है, उसे नगर की संख्या दी जाएगी। अगर 100,000 से कम है, व्यवसाय कृषि है, तो उसे गांव कहा जाएगा। अच्छा, एक बात और नगर के बारे में बता देता हूं कि नगर में संबंध जो है वो प्राथमिक न होकर द्वितीयक होते हैं। तो यह थी नगर के बारे में कुछ जानकारी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना ज्यादा हो सके इसे शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।